मेरे हिसाब से पेरेंटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे बड़ी कोई क्वालिटी हो नहीं सकती, कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करो, उनको सलाह दो अगर उनको जरूरत है तो, उनको सही और गलत के बीच का फर्क बताओ, उनको बताओ कि देखो जी जो तुम करने का सोच रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कहना कि नहीं तुझे वो नहीं करना तुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही ना देना, उठा करके उनको बैसाखियां दे देना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है, हाँ पापा हाँ मम्मी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और ज़बरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी, आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो, उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हो, पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया, एक दिन निकले दो दिन निकले तीन दिन चार दिन, क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है, भैया लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, तभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ सिंपल आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, साइन करो, बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूँ कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, चार दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, अरे प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है, यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी, इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे, या फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन घुमा दिया, हेलो मम्मी, हाँ बेटा क्या हुआ, जरा पापा को फोन देना, इसलिए गारंटी पापा ने दिया, पापा से बात करनी, हाँ पापा क्या हुआ बेटा सब ठीक तो है ना, अरे क्या खाक ठीक है, ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए, क्या हो गया बेटा क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है, सब ठीक तो है ना, अरे क्या ठीक है मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है, क्या हुआ बेटा, पापा कल रात को, कल रात को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, कल रात को उसने कुछ गलत तो नहीं किया, अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी, क्या क्या बोल रही है, मुझे बता बेटा, मैं देखूंगा मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है मैंने गारंटी ली है मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले, क्या हुआ बेटा क्या बात हुई, पापा कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा, क्या कहा बेटा, उसने कहा कि तुम इसमें डाल लेगी थोड़ी सी मोटी लग रही हो, आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला, ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी, अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी, करा दो मेरी शादी संदीप महेश्वरी से, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन बेटा संदीप महेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो बच्चे भी हैं, अरे तो क्या एक ही संदीप महेश्वरी है क्या इस दुनिया में, और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में, हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके, कल शाम को नहीं आपको कल सुबह यहाँ पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है बेटा जैसे तुम कहो, क्या करेंगे माँ बाप, तो हुआ क्या, पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया, अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती।
और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब पहले मैं कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरा बेटा है 7 साल का। अभी कुछ दिन पहले हम एक मूवी देख रहे थे, तो आजकल आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन बहुत चल रहा है, तो मेरे बेटे ने वो ऐड देखी जिसमें एंड में बताते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। और बड़ा सीरियस होकर के मुझसे बोला, पापा जब ये सिगरेट पीना इतनी गद्दी चीज़ है तो लोग क्यों पीते हैं, क्यों पीते हैं? और मेरा सीधा सा फंडा है लाइफ में, सच बोलो, कोई घुमा फिरा के बात मत करो। मैं उसको कहा क्योंकि लोगों को मज़ा आता है पीने में। उसने पूछा, पापा आप क्यों नहीं पीते? सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई पहले पीता था अब छोड़ दी। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं कुछ करने के लिए, मैंने उसको सच बोल दिया। तो थोड़ा सोच में पड़ गया और मुझे बोला, पापा इसका मतलब मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना कभी सिगरेट। बड़ा सीरियसली उसने मुझसे पूछा। तो मेरा एक बार को तो मन किया एज अ फादर कि उसको लेक्चर दे दूँ कि तुझे सिगरेट इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं, क्योंकि तेरा बाप कहता है। मन ये कर रहा था एज अ पेरेंट, एज अ केयरिंग पेरेंट, एज अ लविंग पेरेंट, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं होता। मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, उसके बाद में चुप हो गया। सिर्फ 2 वर्ड्स, जैसे उसने बोला ना कि पापा मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना सिगरेट, मैंने कहा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। और उसके बाद मैंने ऐसे शो किया जैसे मैं उसकी तरफ नहीं देखा, मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा और हंसने लगा, पॉपकॉर्न खा रहा। उसके 2-3 सेकंड बाद मैंने उसको देखा, उसका ध्यान स्क्रीन से हट गया था, उसका मुंह नीचे था और कुछ सोच रहा था, वो कुछ सोच रहा था, 7 साल का बच्चा कुछ सोच रहा था। और जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि एज अ पेरेंट मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या है कि ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो अपने बारे में, अपने सही और गलत के बारे में खुद सोचने लग जाए। जब तक उनको मेरी जरूरत ना हो तब तक वो मुझे बीच में ना लाए। मेरी जरूरत पड़े तो आकर के मुझसे पूछें, मुझसे बात करें, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, खुद सोचें, खुद करें जो उनको करना है। तो ये था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे पता करें कि हमारी रियल इनर कॉलिंग क्या है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं टच करने वाला हूं, तो अपने ध्यान को बढ़ा लो जिससे कि पूरे ध्यान से आप समझ सको कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिसको हम अपने दिल की आवाज बोलते हैं, 99% केसेस में वो हमारे दिल की आवाज नहीं होती है, हमारे अंदर की आवाज नहीं होती है, वो हमारे मन की आवाज होती है। मन की आवाज, मन जो है ना हमारा, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसा है। आप में से किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल के 3 साल के हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, मतलब जो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, घंटों तक कर सकता हूँ, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूँ, देखता रहूँ कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे, उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेल रहा हूं। और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। सो
बारीकी से देखना जो चीज मैं बोल रहा हूं, पेशेंटली आराम से समझना। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जाकर के रोबोट को टच करने की कोशिश करी। उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया मेरे 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके, मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और तब तक रोती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। हम सबको अपने हथियार डालने वाले, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो, तुम सब हार गए। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा। फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा तो रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने उस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है खेल। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक काम करो, चेस लेकर के आ। तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे। तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मजा आ गया, ये वो, थोड़ा नौटंकी। उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी, उसका ध्यान गया हमारी तरफ, ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी। उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा ये वो राजा रानी सब उठा करके भागने लग गई, मतलब ले गई। तो मुझे पता था ये होने वाला है। मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी, मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले। बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए। क्या अच्छा लगता है मन को? वो जिसमें कोई दूसरा इंसान बहुत खुश है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो इस वजह से खुश है क्योंकि उसके पास में ये है। चाहे वजह कुछ और ही हो, चाहे वजह कुछ और हो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग अपनी जॉब से बहुत खुश है? कोई बात नहीं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड। 90% से ज्यादा जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है। अपने मन की वजह से आप अपनी जॉब से दुखी हो रहे हो। मन में चेंजेस करें, उसी जॉब में हो सकता है आपको मजा भी आने लग जाए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? किसने हाथ ऊपर किया था, कहना एक बार हाथ ऊपर करना जॉब वाले। हाँ ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखी इंटरनेट पे, कोई बुक पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या इंटरनेट पे किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा और एकदम से मन हुआ कि मैं कल ही जाकर के रिजाइन कर दूं? सो ये क्या है? हमारा मन है। जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उनसे भी एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेरी कोई वीडियो देखी, मेरे बारे में पढ़ा या किसी और के बारे में पढ़ा और आपने देखा, अरे संदीप महेश्वरी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, इसका मतलब क्या है? कि पढ़ाई छोड़ दो और सक्सेस मिल जाएगी। अरे वो बिजनेस कर रहा है, वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब वो बिजनेस की वजह से खुश होगा। तो इसका मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो, बिजनेस कर लो और मुझे खुशी मिल जाएगी। बच्चों जैसी सोच है ये हमारा मन है जो एक खिलौने को पाड़ता है दूसरे को छोड़ता है।